देखिए इस प्रकार को सेंटेंस को कैसे बनाएंगे, पेड़ काटे जाते हैं ट्रीज, ट्रीज आर कट, साइकिल चलाई जाती है बाइसाइकिल इज रिडन, घर रंगा जाता है हाउस इज पेंटेड। चलिए इस कैसे इस तरह का बना इस वीडियो में देखते हैं। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू टू इन वन स्टडी चैनल। तो आज हम लोग पैसिव वॉइस पढ़ने वाले हैं, यानी कि वैसे सेंटेंस है जो पैसिव रूप में ही बनाया जा सकता है, उस सेंटेंस को पढ़ने वाले हैं। तो देखते हैं बिना टाइम बर्बाद किए हुए पैसिव सेंटेंस क्या होते हैं। जैसे देखिए, जैसे मैं आम खाता हूँ, मैं आम खाता हूँ, तो ये खाने वाला कौन होता है, खाना, ये ना खाना है ना, तो खाने वाला यानी कि एक्शन वर्ब का जो डूअर होता है, यानी एक्शन वर्ब जो होता है, खाना एक एक्शन वर्ब है, उसका करने वाला जो होता है वो सब्जेक्ट होता है। जैसे आम खाने वाला कौन है, मैं, आम खाने वाला मैं हूँ, यानी कि जो एक्टिव सेंटेंस बनाने के लिए हमको सब्जेक्ट की ज़रूरत होती है, क्योंकि जो वर्ब है उसको वो करता है। लेकिन पैसिव वॉइस क्या होता है, मेरे द्वारा आम खाया जाता है, तो मेरे द्वारा आम खाया जाता है, ये पैसिव रूप इसलिए है क्योंकि ये इसमें मेरे द्वारा ये प्रधान नहीं है, यानी कि इसको हम प्रीफर नहीं कर सकते हैं, आम खाया जाता है इतना ही बना सकते हैं। यहाँ है, यहाँ खाने वाला, यहाँ मेरे द्वारा हटा भी दें तो सेंटेंस पूरा होगा, क्या होगा, सेंटेंस पूरा होगा, आम खा आ मैं आम खाता हूँ और आम खाया जाता है। देखिए इसमें खाने वाला नहीं रहेगा, और एक और ये जाता है ना, ये जाता एक एक्स्ट्रा आ जाएगा, जाना, जाना का लिखा हुआ रहेगा लेकिन जाना का गो नहीं लिखना है। ये पैसिव रूप वो होता है कि एक्टिव में सब्जेक्ट को प्रधान दिया जाता है, यानी कि सब्जेक्ट होना चाहिए तभी एक्टिव सेंटेंस बनाना होता है। और पैसिव में क्या होता है, पैसिव में ऑब्जेक्ट होना चाहिए, क्या ऑब्जेक्ट होना चाहिए, इसमें खाने वाला नहीं है फिर भी हम सेंटेंस बना रहे हैं आम खाया जाता है। तो एक बात तो सीखे, एक्टिव सेंटेंस में सब्जेक्ट होना जरूरी है और पैसिव सेंटेंस में ऑब्जेक्ट होना जरूरी है, क्योंकि ऑब्जेक्ट का जवाब क्या या किसको का जवाब देता है। तो हिंदी में तो समझ, जैसे आम, मैं आम खाता हूँ, मैं स्कूल जाता हूँ, मैं अंग्रेजी बोलता हूँ, ये क्या, बोलने वाला मैं हूँ या तुम अंग्रेजी बोलती हो, क्या तुम है। लेकिन पैसिव में क्या होता है कि आम खाया जाता है, खाने वाला कोई नहीं है, ये नहीं भी रहेगा फिर भी हम इसको बोल सकते हैं। इंग्लिश बोली जाती है, बोलने वाला कोई नहीं है, फिर लड़के पढ़ाए जाते हैं, पढ़ाने वाला कोई नहीं है, यानी कि पैसिव में क्या होता है, ऑब्जेक्ट प्रधान होता है और एक्टिव में सब्जेक्ट प्रधान होता है। तो इसको बनाएंगे कैसे, तो देखिए टेंस क्या है, सिंपल प्रेजेंट है, ये भी सिंपल प्रेजेंट है, ये भी सिंपल प्रेजेंट है। तो टेंस पैसिव, तो सिंपल प्रेजेंट में था एक्टिव सेंटेंस के लिए सब्जेक्ट प्लस वर्ब 1 या वर्ब 5 प्लस सब्जेक्ट। लेकिन पैसिव में क्या करना है, पैसिव में करना है कि इसमें एक्स्ट्रा एक्सिलरी टू बी वर्ब डालना है, क्या, टू बी वर्ब, मतलब वर्ब 3 डालना है, पैसिव का यही नियम है, टू बी वर्ब प्लस वर्ब 3। और टू बी वर्ब का 5 रूप होता है, अब देखिए कि कौन लगता है, तो पहला या और पचवा ये लगता है प्रेजेंट में। जैसे मैं आम खाता हूँ तो क्या बनाते हैं, आई ईट अ मैंगो, आई ईट अ मैंगो, सब्जेक्ट प्लस वर्ब 1 और ऑब्जेक्ट। लेकिन आम खाया जाता है तो देखिए ये तो ऑब्जेक्ट है, लेकिन एज अ सब्जेक्ट इसको बनाते हैं, यहाँ लिख देते हैं मेरे द्वारा, मेरे द्वारा लिख देते हैं, तो आम खाया जाता है तो क्या बनाएंगे, अ मैंगो। आप पढ़े होंगे इसको पैसिव बनाने के लिए अ मैंगो, और इज लगाते हैं, इज ईटन, ईटन बाय, बाय लगा के मी, अगर मेरे द्वारा नहीं रहता तो सीधे लिखते अ मैंगो इज ईटन, लेकिन मेरे द्वारा है यानी कि एजेंट है, यहाँ तो बाय मी लिखेंगे। अब देखिए ये बना कैसे, तो देखिए सब्जेक्ट था, ये एज ए सब्जेक्ट, सब्जेक्ट नहीं है, एज ए सब्जेक्ट वर्क करता है यहाँ, तो ये ए मैंगो लिख दिए। उसके बाद देखिए एक्स्ट्रा एक्सिलरी डाल है ना, क्या लिखे, पैसिव बनाने के लिए टू बी वर्ब प्लस वर्ब 3, तो टू बी वर्ब पहला या पचवा प्रेजेंट में, ये मैंगो था तो एम नहीं लगा सकते, आर नहीं लगा सकते, तो इज लगाएंगे क्योंकि सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ सिंगुलर वर्ब लगता है। और उसके बाद यहाँ देखिए कि इसके बाद क्या वर्ब 3 डालना है, यानी कि एक्स्ट्रा एक्सिलरी प्लस वर्ब 3, एक्स्ट्रा एक्सिलरी प्लस वर्ब 3 डाल के इसको बना दिए। जैसे देखिए उसी प्रकार अंग्रेजी बोली जाती है, अंग्रेजी बोली जाती है, बोली जाती है, क्या बनाएगा, इंग्लिश, इंग्लिश एक्सिलरी डालना है, प्रेजेंट में क्या लगेगा, इज लगेगा, इज और क्या लग डालना है, वर्ब 3, तो बोलना का स्पीक, तीसरा स्पोकन, कई क्या हो जाएगा, स्पोकन। तो स्ट्रक्चर आपको चाहिए तो ऐसे बना लेते हैं, सब्जेक्ट प्लस इज एम आर प्लस क्या वर्ब
थ्री, हम बाय एजेंट रहेगा तो डाल देंगे, उस पर कार बनाएंगे। तो और देखते हैं, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट क्या है, हम लोग पेड़ काटते हैं तो क्या बनाएंगे, वी कट ट्रीज, वी कट ट्रीज, हम लोग पेड़ काटते हैं, यानी कि प्लूरल है, वी कट ट्रीज, बहुत सारे पेड़ काटते हैं। लेकिन पैसे में क्या है, पेड़ काटे जाते हैं, इसमें काटने वाला नहीं रहता है, इसमें सब्जेक्ट प्रधान रहता है, हम लोग को मतलब सब्जेक्ट होना जरूरी है, लेकिन पेड़ में क्या है, पेड़ काटे जाते हैं, सीधे ये ऑब्जेक्ट है, तो क्या लिखेंगे, ट्रीज आर कट, ट्रीज आर कट, सब्जेक्ट लिख दिए, सॉरी ऑब्जेक्ट लिख दिए, इसके बाद एक्जुलरी वर्ब बी वर्ब डाले, और वर्ब थ्री कट का तीसरा कट ही होता है, तो ट्रीज आर कट लगाएंगे। देखिए तुम साइकिल चलाते हो तो क्या बनाइएगा, यू ड्राइव, सॉरी राइड, यू राइड बाइसाइकिल, साइकिल चलाई जाती है, तो क्या है, देखिए इसमें सब्जेक्ट नहीं रहेगा तो फिर भी बन जाएगा, लेकिन इसमें सब्जेक्ट नहीं है, साइकिल चलाते हैं, साइकिल कौन चलाता है, ये इसमें सब्जेक्ट होना जरूरी है, साइकिल चलाई जाती है। देखिए सब में एक जाता का सेंस आ रहा है, लेकिन जाता का गो नहीं बना रहे, ये पैसिव का पहचान होता है हिंदी में। आगे बढ़ते हैं, साइकिल चलाई जाती है तो क्या लगाइएगा, बाइसाइकिल, बाइसाइकिल आर, बाइसाइकिल इज क्या, चलाना, R I डबल D E N, रीडन, राइड का तीसरा रीडन, घर रंगा जाता है तो क्या बनाएगा, हाउस इज पेंटेड, पी एन टी डी, क्या बनाए, एक्जुलरी वर्ब एक्स्ट्रा डिली, जैसे क्या रहता कि मैं घर रंगता हूँ तो आई पेंट हाउस, ये क्या घर रंगा जाता है तो हाउस इज पेंटेड, एक्स्ट्रा इज लगाए और वर्ब थ्री लगाए, चलिए इस प्रकार से बनाएंगे। अब देखिए दूसरा में टेंस को चेंज करते हैं, कॉन्टिन्यूस में आते हैं, अब देखते हैं प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का जो पैसिव होता है वो किस प्रकार का होता है। जैसे देखिए वह क्रिकेट खेल रहा है, क्रिकेट खेल रहा है, और उसी प्रकार क्रिकेट खेला जा रहा है, क्रिकेट खेला जा रहा है, जा रहा है, देखिए इसमें भी जा आ गया, जाना वाला सेंस, लेकिन ये पैसिव का पहचान है, वह क्रिकेट खेल रहा है, क्या बनाइएगा, ही इज प्लेइंग क्रिकेट, प्लेइंग क्रिकेट, और क्रिकेट खेला जा रहा है तो क्या करना है, लिखना है ऑब्जेक्ट प्लस एक्स्ट्रा एक्जुलरी प्लस वर्ब थ्री, तो क्रिकेट खेला जा रहा है तो कैसे बनाए थे, सब्जेक्ट लिखे थे, इज लिखे थे, उसके बाद वर्ब फोर और ऑब्जेक्ट, तो उसी प्रकार क्रिकेट लिखेंगे, क्रिकेट और इज लगाएंगे और प्लेइंग लिखना है, तो पैसिव बनाने के लिए एक्स्ट्रा एक्जुलरी और प्लस वर्ब थ्री, तो इज के बाद कौन सा एक्जुलरी आएगा, तो इज के बाद जब भी आएगा तो वर्ब फोर आएगा, तो इसमें देखिए पहला दूसरा तीसरा चौथा यानी कि बीइंग आएगा, यानी कि बीइंग, क्योंकि इज एक्जुलरी वर्ब बोलता है कि जो भी मेन वर्ब आएगा वर्ब फोर ही आना चाहिए, तो इज के बाद वर्ब फोर आएगा, बीइंग हो गया, अब बी वर्ब लिख दिए ना, उसके बाद वर्ब थ्री डालना है तो प्लेड होगा, इसका मतलब हो गया क्रिकेट इज बीइंग प्लेड, क्रिकेट खेला जा रहा है। जैसे देखिए बच्चे पढ़ाए जा रहे हैं, बच्चे पढ़ाए जा रहे हैं, बच्चे पढ़ाए जा रहे हैं तो क्या लिखिएगा, सी एच आई आर एल चिल्ड्रेन, चिल्ड्रेन आर क्या बनाए, चिल्ड्रेन आर, अब बीइंग लगाना होगा, बीइंग टॉट, टीच का तीसरा टॉट, ठीक है, चिल्ड्रेन आर बींग टॉट, अगर यहाँ कोई देगा कि इसके द्वारा चाहे उसके द्वारा, जैसे लिखेंगे कि मेरे द्वारा बच्चे पढ़ाए जा रहे थे, चिल्ड्रेन आर बींग टॉट बाई मी कर देंगे, बाई प्लस एजेंट लगा देंगे, जो भी बीच में द्वारा दे देगा तो देखते हैं। चलिए नेक्स्ट देखते हैं प्रेजेंट परफेक्ट का। प्रेजेंट परफेक्ट में होता है क्या है कि इसमें उसने आमंत्रित किया है, प्रेजेंट परफेक्ट है, तो क्या बनाएगा, ही हैज इन्वाइटेड, He has invited, हो गया ना, He has invited, इन्वाइट करने वाला सब्जेक्ट है, ये किसी को इन्वाइट किया है, लेकिन उसे आमंत्रित किया गया है, यानी कि उसने किसी को नहीं किया, उसी को किया गया है, यानी कि इसमें सब्जेक्ट नहीं है, ये ऑब्जेक्ट है, तो उसे का क्या लिखिएगा, He और has लगाएंगे, He has जैसे बनाते थे, और उसके बाद एक्स्ट्रा एक्जुलरी प्लस वर्ब थ्री, तो हैज के बाद कौन सा वर्ब आएगा, वर्ब थ्री आएगा, तो पहला लिखेंगे ये वाला वर्ब थ्री,
तो हैज़ बिन और आमंत्रित करना के भी थ्री लगाएंगे तो आई एन वी आई टी डी टी इन्वाइटेड। उसी प्रकार मुझे कहा गया है तो क्या बनाएंगे आई हैव, आई के साथ हैव लगता है, हैव के बाद बी वर्ब लाना है, बी वर्ब तीसरा बिन, आई हैव बिन क्या सेड, आई हैव बिन टोल्ड लिख देते हैं टोल्ड। बस इसी प्रकार से पैसिव सेंटेंस बनाते हैं।